सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे दूसरी पत्नी से पैदा हुए संतान का आपका प्रॉपर्टी में क्या अधिकार हो सकता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको एक पत्नी रहने के बावजूद भी दूसरा शादी कर लेते हैं और दूसरे पत्नी से भी बाल बच्चे हो जाते हैं और अपना पत्नी जो पहले जो शादी किया था विधिपूर्वक उससे भी बाल बच्चे हो जाते हैं। हालांकि ये कानूनी दृष्टिकोण से गलत है एक पत्नी को रहते हुए दूसरा शादी करना। इस टॉपिक पर मैंने काफ़ी सारा वीडियो बना दिया हूँ। आज की इस वीडियो हम लोग खास करके बात करने जा रहे हैं कि दूसरा पत्नी से जो संतान पैदा होता है उसको पिता का प्रॉपर्टी में क्या अधिकार मिलता है। यदि यहाँ पर आप एक पत्नी को रहते हुए दूसरा शादी नहीं भी करते हैं या फिर कोई दूसरा तरीका से कोई भी महिला के साथ रहते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं और बच्चे पैदा हो जाता है तो इस परिस्थिति में भी उसको आपका प्रॉपर्टी पे अधिकार मिलेगा। यहाँ पर ये बात कह के नहीं उसे मना किया जा सकता है अधिकार के लिए, क्योंकि वो जो है शादीशुदा पत्नी नहीं है या फिर कोई दूसरे गलत तरीके से उसका पति के साथ रह रहा है। यहाँ पर जो भी पिता है वो व्यक्ति, यानी कि देखिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 में ये बात को स्पष्ट किया गया है कि कोई भी संतान जब ही पैदा होता है तब से उसका पिता के प्रॉपर्टी पर अधिकार हो जाता है। यानी कि पैदा होते ही संतान का आपका प्रॉपर्टी पे अधिकार हो जाएगा, भले ही आप कितनों शादी कर लिए या कितनों आपके बाल बच्चे हो, ये यहाँ मायने नहीं रखेगा। यदि पहले पत्नी से मान लेते हैं दो बच्चे आपको है और जो दूसरे पत्नी है उससे यदि आपको एक बच्चे है, फिर भी आपका प्रॉपर्टी यहाँ तीन जगह डिवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये पहली पत्नी है इसका जो इसमें और नया जो पत्नी है उस दोनों के बीच 50-50 किया जाएगा, ये मायने नहीं रखता है। यानी कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसका जो बंटवारा किया जाएगा वो पत्नी को देख के नहीं बल्कि आपके संतान को देख के किया जाएगा। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्या बेटी यदि है तो क्या उसको भी अधिकार मिल सकता है, तो इस टॉपिक पर भी मैंने पहले वीडियो बना के अपना चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि बेटा हो या बेटी हो दोनों समान है और दोनों को इक्वल अधिकार आपका प्रॉपर्टी में दिया जाएगा। यानी कि बेटा या बेटी होने के नाते किसी प्रकार का भेदभाव उसके साथ नहीं किया जा सकता है। वैसे मैंने पिता का प्रॉपर्टी पर एक बेटी का क्या अधिकार है और पिता के प्रॉपर्टी पर शादीशुदा बेटी का क्या अधिकार है, ये दोनों टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाकर विस्तार से अपना चैनल पर अपलोड किया है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं या मेरा चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जो प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें जाके आप इसी प्रकार का और भी वीडियो देख सकते हैं। देखिए कानूनी दृष्टिकोण से कोई भी संतान अवैध नहीं होता है, चाहे आप कुमारा ही है और कोई व्यक्ति के साथ, कोई महिला के साथ या कोई लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जो महिला के साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं यदि उस वो शादीशुदा ही क्यों ना है, फिर भी यदि उससे कोई संतान पैदा होता है तो वो संतान का आपके प्रॉपर्टी में अधिकार होगा, वैसा ही अधिकार होगा जैसे कि अपने संतान यदि आप शादी करते हैं और उससे जो बच्चे पैदा होता है उसका जो अधिकार होगा वही यहाँ पे दूसरा संतान दूसरे पत्नी से जो पैदा हुआ है बच्चे उसका भी अधिकार आपकी प्रॉपर्टी पर उसी प्रकार का होगा और ये अधिकार आपको देना होगा। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आपने जो खुद से अर्जित किए हैं प्रॉपर्टी सिर्फ उसी पे बच्चे का अधिकार होगा या फिर आपका जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी आ रहा है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपका दादाजी से आपको पिता को मिला है और आपका पिता के द्वारा आपको मिला है, क्या उस प्रॉपर्टी में भी अधिकार होगा? तो उस प्रॉपर्टी में भी अधिकार होगा और आपका जो स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी है उसमें भी ये अधिकार होगा। लेकिन कब अधिकार होगा और किस परिस्थिति में अधिकार होगा इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में खास करके हम लोग इस बात पर फोकस किए कि दूसरा पत्नी से यदि पैदा होता है कोई संतान तो क्या उसे भी अपना माता और पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है या नहीं, इसी टॉपिक पर खास करके ये वीडियो बनाया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही यदि वीडियो से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।